अगर आप 2023 के अंदर एक 55 इंच टीवी खरीदना चाहते हैं और चाहे आपके दिमाग में उसके बजट को लेके कोई कंफ्यूजन ना हो लेकिन ब्रांड और उसके मॉडल को लेके आई एम श्योर यू विल बी वेरी कंफ्यूज्ड व्हाई बिकॉज इस समय भी लगभग 100 मॉडल्स अवेलेबल होंगे 55 इंच साइज में और उसमें अपने बजट के अंदर एक बेस्ट फिफ्टी इंच टीवी चुन पाना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बट आई कैन सॉल्व दैट कंफ्यूजन इन मिनट्स बिकॉज पिछले छ महीने से मैं इस कंपैरिजन को बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और आज जाके बना पाया हूं मेरा नाम है विनीत पल्लोत्रा आप चैनल देख रहे हैं और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यूट्यूब की हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा टीवी कंपैरिजन जिसमें मैं कम से कम 30 से ज्यादा को कंपेयर करके एंड साइड बाय साइड कंपेयर करके आपको यह बताऊंगा कि आपके बजट में आपकी जरूरत के हिसाब से बेस्ट फिफ्टी इंच टीवी कौन सा है ट्वेंटी में नया साल शुरू हो गया उसकी आपको मेरी और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको इस वीडियो को देखने से पहले तीन बातें जाननी है पहली इस वीडियो को बनाने के लिए हमने 33 थ्री को कंपेयर किया एक दूसरे के साथ और मैं आपको ज्यादातर टीवी एक दूसरे के साथ रख के दिखाऊंगा लेकिन हमारा स्टूडियो थोड़ा छोटा है जितने टीवी एक साथ रख पाऊंगा उन्हें दिखाऊंगा और उस कैटेगरी के विनर को नेक्स्ट कैटेगरी के साथ भी कंपेयर करके दिखाऊंगा ताकि आपके दिमाग में किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन ना रहे दूसरी बात अगर आप नए हैं इस चैनल पे और नहीं जानते तो मैं इन सभी टीवी को पहले खुद खरीदता हूं इन्हें प्रॉपरली डिटेल ट्रू व्यू करके आपको यह बताता हूं कि इनमें प्रोज एंड कॉन्स क्या है और आपके लेने लायक ये टीवी है या नहीं वीडियो है एक कंपैरिजन इसके अंदर मैं लुक्स और डिजाइन की बातें नहीं करूंगा अगर आपको वो सब जानना है तो आप मेरी टीवी की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और सारे ट्रू व्यूज को आराम से देख सकते हैं इस कंपैरिजन को देखने के बाद लेकिन इस वीडियो में आपकी कंफ्यूजन दूर होंगी कि भाई मैं ये वाला टीवी लू या वो वाला लू मेरे इस पैसे के अंदर बेस्ट टीवी कौन सा है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं तीसरी और फाइनल बात अगर आप 43 या फिर 50 इंच का टीवी लेना चाहते हैं तो आपको मेरा ये वाला वीडियो देखना चाहिए इसके अंदर आपको जो 43 इंच के टीवीज़ मैंने बताए हैं साइड बाय साइड कंपेयर करके वही आप 50 इंच के मॉडल्स के अंदर भी अप्लाई करके 50 इंच साइज भी ले सकते हैं लेकिन अगर आप 55 इंच मॉडल लेना चाहते हैं या फिर 65 इंच साइज लेना चाहते हैं किसी टीवी का तो आपको यही वीडियो काम में आने वाला है इसे आराम से देखिएगा बिना स्किप करे तो ही आप समझ पाएंगे कि आपके पैसे की पूरी वर्थ आपको किस टीवी को खरीदने में मिलती है फालतू बातें सारी खत्म अब आपको सीधा कंपैरिजन दिखाता हूं और सबसे पहली कैटेगरी होगी बजट कैटेगरी उसके अंदर आपको बहुत सारे टीवी देखने को मिलेंगे मी टीवी फाइव एक्स रेडमी टीवी वन प्लस टीवी रियलमी टीवी, टीवी लेकिन इनमें विनर कौन है इनमें विनर बहुत सिंपल और बहुत ही अच्छा टीवी है दैट इज कॉल्ड टीवी अब आप एक बात सोच रहे होंगे उसका जवाब भी आपको देता हूं आप में से कुछ लोग डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे ऐसे टीवी, टीवी के साथ होना चाहिए ये वीडियो ना ही व्यू ना ही किसी और ब्रांड से स्पॉन्सर्ड है इसीलिए आपको ये बात बहुत आराम से समझाना चाहता हूं कि ये कंपैरिजन प्राइस रेंज और फीचर्स के बेसिस पे होना चाहिए जिस तरह आप मारुति और बीएमडब्ल्यू का कंपैरिजन कभी नहीं करते पर्टिकुलरली उनकी माइलेज का कंपैरिजन कभी नहीं करते क्योंकि दोनों अलग अलग कैटेगरी की कार्स हैं और उन्हें अलग पर्पस से अलग अलग टाइप के लोग खरीदते हैं इसीलिए सबसे पहले अपने बजट को जानिए अपने पर्पस को जानिए एंड बाय द टी वी यू नीड नॉट द टी वी यू वॉन्ट

स के दोनों ही टीवीज के अंदर आपको आईपीएस पैनल देखने को मिलेगा जबकि व्यू ग्लोलेट के अंदर आपको एक वी मिलेगा तीनों ही 8 एडबिट एफ और तीनों ही डीलेट पैनल है आपको तीनों के अंदर ही अच्छी ब्राइटनेस मिलती है और मेरी खुद की टेस्ट करी हुई व्यू ग्लोलेट के अंदर आपको फोर हंड्रेड हाइसेंस के दोनों ही मॉडल्स के अंदर अप्रोक्सिमेटली फोर हंड्रेड के आसपास की ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगी लेकिन हाउ टू चूज अ पैनल आपको ये बात समझनी है टीवी से अच्छे व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक सही पैनल का टीवी लें अगर आपके रूम के अंदर बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है या फिर आपका रूम बहुत ज़्यादा ब्राइट bright है ब्राइटली लिट है तो आपको एक आईपीएस पैनल का टीवी खरीदना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए और अगर आपके रूम के अंदर लाइट काफ़ी कम है सनलाइट भी नहीं आती या फिर आप ज़्यादातर रात को टीवी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आपको एक वी पैनल का टीवी खरीदना चाहिए वही आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए बेस्ट होगा कंपैरिजन में आगे बढ़ते हुए अब आपको इन तीनों ही टीवीज के कलर परफॉर्मेंस दिखाता हूं और आप ये देख सकते हैं कि कलर्स के अंदर आपको जो आईपीएस पैनल मजा दे पा रहे हैं उतना मजा आपको वीए पैनल का व्यू ग्लोलेट टीवी नहीं दे पा रहा आपको व्यू ग्लोलेट टीवी के अंदर थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर देखने को मिलेंगे पर्टिकुलरली रेड और आपको इन्हीं कलर्स के अंदर कॉन्ट्रास्ट का भी बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिल रहा होगा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि व्यू की ब्राइटनेस है 400 हंड्रेड्स और बाकी हाईसेंस के दोनों टीवीज की 450 nits के आसपास आपको रेशो भी जाननी चाहिए के दोनों टीवीज की आईपीएस और, और व्यू वीव के वी पैनल की कॉन्ट्रास्ट रेशो है वन लाख इस टू वन उसके बावजूद आप अगर ध्यान से इन तीनों टीवी को देखेंगे तो आपको कॉन्ट्रास्ट में हाइसेंस के टीवी ज्यादा अच्छे लगने लगेंगे आपको ज्यादा डीपर कलर्स और ज्यादा डिटेल्स के टीवीज में दिखेंगी और यह फर्क एक ही टाइप के कंटेंट में नहीं है हर टाइप के कंटेंट को जब हम प्ले करेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा चाहे आप एस डी को देख लें चाहे आप एच डी को देख लें जो सेट टॉप बॉक्स से प्ले करा जाता है चाहे आप प्राइम वीडियो पे एच डी आर टेन प्लस कॉन्टेंट देख लें आपको वही फर्क देखने को मिलेगा हर टाइप के कॉन्टेंट में ओवर सैचुरेटेड कलर के दोनों ही टीवी में लगभग क्वालिटी अब मैं ये आप पे छोड़ता हूं कि आपको पिक्चर क्वालिटी इन तीनों ही टीवी में या फिर दो टाइप की पिक्चर क्वालिटी में आपको कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है आप में से कुछ लोगों के दिमाग में शायद यह सवाल आ सकता है इसलिए मैंने सबसे पहले इसका आंसर करना जरूरी समझा जितने भी टीवीज़ का कंपैरिजन आपने अभी देखा और जो आगे देखेंगे उन सब की पिक्चर सेटिंग्स को मैंने प्रॉपरली खुद पहले रीसेट किया उसके बाद शूट किया ताकि आपको बिल्कुल फेयर कंपैरिजन दिखा सकूं जो सेम मैन्युफैक्चरर के टीवीज हैं जैसे वी हाईसेंस तोशीबा उनके अंदर आई मेड श्योर कि जो पिक्चर सेटिंग्स हैं वो बिल्कुल सेम हो जो पिक्चर मोड है वो बिल्कुल सेम हो ताकि आपको बिल्कुल फेयर कंपैरिजन मिले जितनी भी पिक्चर क्वालिटी आप देख रहे हैं ये डिफॉल्ट सेटिंग पे आप देख रहे हैं आप चाहे इन तीनों में से कोई भी टीवी लें आपको HDR10 HDR10 प्लस HLG और Dolby Vision की सपोर्ट देखने को मिलेगी आपको View Glowlet के अंदर Dolby Vision IQ की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी बट डस दैट रियली मेक एनी डिफरेंस आप खुद फर्क देख सकते हैं कि आपको दोनों ही टीवीस यानी दोनों कैटेगरी के टीवीस Hisense के IPS पैनल वाले TVs और View का ये VA पैनल का टीवी कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है Dolby Vision कंटेंट में आप इन्हीं TVs की ब्लैक्स की परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं एक VA पैनल से हम ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ज्यादा अच्छे ब्लैक्स दिखाएगा एंड आफ्टर हैविंग 100000:1 कंट्रास्ट रेश्यो हमें ने Hisense के 1200:1 कंट्रास्ट रेश्यो वाले टीवी से अगर कंपेयर करें तो मुझे जमीन आसमान का फर्क नहीं दिख रहा और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आईपीएस पैनल होते हुए भी हमने इन्हें डार्क में शूट किया था कि आपको, कि आपको ब्लैक दिख, दिख रहे हैं एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग अब तीनों ही टीवी की ऑडियो क्वालिटी के अंदर शायद आप में से कई लोग विनर चुनेंगे व्यू ग्लोलेट को क्योंकि उसके अंदर एक अच्छा सबवूफर लगाया गया है टीवी के पीछे बट एक्चुअली में वो ओवर पावर्ड बेस दे रहा है गेस देर इज अ फीचर टू टर्न दैट सब वो फर कंप्लीटली ऑफ बट उससे जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है एंड यू रियली मिस आउट ऑन ऑडियो क्वालिटी इसलिए मेरे हिसाब से द एपल्यूट विनर इन दिस कंपेरिजन

चूज हाईसेंस ए सिक्स एच और अगर आपके पास कोई साउंड बार या होम थिएटर नहीं है और आप आगे भी नहीं लेने वाले हैं तब आपको हाईसेंस टोर्नाडो टू टी खरीदना चाहिए यानी ए सेवन एच खरीदना चाहिए वो आपके लिए बेहतर चॉइस रहेगा आपके छोटे से मीडियम साइज रूम के लिए वो बहुत अप्रोप्रिएट साउंड क्रिएट करेगा और आपको एक थोड़ा बहुत सिनेमेटिक फील भी देगा आपको सभी टीवीज़ के लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे चूज कर सकते हैं अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पे वहां पे एल और सैमसंग जैसे ब्रांड्स आते हैं लेकिन आप में से कई लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हाइस टोर्नेडो 2 लिया जाए या फिर एल और सैमसंग में से कोई एक टीवी चुना जाए तो आपको सबसे पहले कंटेंडर्स बताता हूं ये सारे टीवी मैंने इस कंपेरिजन के अंदर इंक्लूड किए हैं लेकिन इनमें से मैं तीन टीवी चुन के आपको दिखाऊंगा कि आपको कौन सा टीवी खरीदना चाहिए LG UQ8020 या फिर आप इसे UQ7500 भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों टीवी बिल्कुल सेम हैं और सैमसंग का क्रिस्टल नियो आपस में कंपेयर करके दिखाऊंगा ताकि आप ये समझ पाए कि इन तीनों टीवीज की पिक्चर क्वालिटी में कौन सा बेस्ट टीवी है मैं अपने 43 इंच के वीडियो के अंदर ये रहा वो वीडियो इसके अंदर भी बता चुका हूं कि आपको हाईसेन्स के एस एच या फिर आप उसे भी कह सकते हैं उसमें उतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी नहीं मिलती जितनी एल और सैमसंग के अंदर मिलती है लेकिन 55 इंच के अंदर क्योंकि एक पैनल डिफरेंट है 55 इंच के अंदर क्योंकि आईपीएस पैनल है एल के अंदर भी आईपीएस पैनल मिलता है और सैमसंग के अंदर आपको एक वी पैनल ही मिलता है क्रिस्टल नियो में तो कंपैरिजन एक डिफरेंट टाइप का कंपैरिजन है जिसे आपको खुद अपनी आंखों से देखना चाहिए यहां पे हाईसेंस टॉर्नेडो 2 बहुत अच्छी टक्कर दे रहा है एल और सैमसंग दोनों ही टीवी को जबकि फोर्टी इंच के मेरे कंपेरिजन के अंदर हाईसेंस ए उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था क्योंकि वो पैनल पूरी तरीके से डिफरेंट था लेकिन इसके बावजूद मैं यही कहूंगा कि हाईसेंस टोर्नेडो इन दोनों ही बाकी टीवी से थोड़ी हल्की परफॉर्मेंस दे रहा है इन टर्म्स ऑफ कलर्स एंड ब्लैक्स एक बात और है जो आपको बताना मेरा फर्ज है इन टीवी को शूट करते समय एल और सैमसंग टीवी का मेरे पास 55 इंच साइज स्टूडियो में अवेलेबल नहीं था इसलिए हमने इनका 43 इंच साइज को रख के ही कंपैरिजन किया एंड डिस्पाइट दैट आई थिंक एलजी एंड सैमसंग है ऐसे ही एल और सैमसंग बहुत बड़े ब्रांड्स नहीं है बट इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हाइसेंस टोडो 2 की पिक्चर क्वालिटी कहीं से भी कुछ कम है आपको हाइसेंस में एक एडवांटेज मिलती है डॉल्बी विजन फॉर्मेट की सपोर्ट जो आपको सैमसंग और एल के टीवीज के अंदर नहीं देखने को मिलती है। के टीवी के आपके टीवी के अंदर डॉल्बी विजन सपोर्ट नहीं है इट डजेंट मेक अ डिफरेंस आपके टीवी के अंदर डायनामिक रेंज अच्छी होनी चाहिए उसकी एच कैपेबिलिटीज अच्छी होनी चाहिए और आप बिना डॉल्बी विजन के फॉर्मेट की सपोर्ट वाले टीवी के अंदर भी डॉल्बी विजन कंटेंट को देख सकते हैं कोई कलर्स खराब नहीं होते कोई कलर्स लाल का पीला नहीं हो जाएगा अगर आपका टीवी अच्छा है तो आपको विजन का पता भी नहीं चलेगा ट्रस्ट मी बिकॉज आप बजट रेंज का टीवी देख रहे हैं उसके अंदर इतनी कम ब्राइटनेस होती है, है आपको आपको सिर्फ HDR देखनी है टीवी के जो मैं अब आपको इस तीनों की दिखाने वाला हूं देखिए आप खुद इन तीनों ही की आर परफॉर्मेंस एमेजॉन प्राइम के कॉन्टेंट पे तीनों ही टीवी, तीनो टीवी ब्रिलियंटली परफॉर्म कर रहे हैं एंड लेट मी टेल यू कि हाईसेंस टोर्नाडो और सैमसंग क्रिस्टल न्यू एच डी आर टेन प्लस फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं जबकि एल जी का यू क्यू एट जीरो टू जीरो या फिर आप सेवन फाइव डबल जीरो भी कह सकते हैं वो एच डी आर टेन प्लस फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता एंड डिस्पाइट दैट मैंने एच डी आर टेन प्लस कॉन्टेंट ही लगाया हुआ है और परफॉर्मेंस में किसी टाइप का कोई फर्क नहीं है आपको परफॉर्मेंस तीनों ही टीवीज के अंदर अच्छी देखने को मिली एंड इनफैक्ट आप में से कई लोगों को शायद एल की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी देखने को मिली होगी उसमें एच डी आर टेन प्लस फॉर्मेट की सपोर्ट भी नहीं है सो इट इज ऑल पेपर स्पेक्स आपको सिर्फ अपनी टीवी को देखना है उसके पैनल और उसके फीचर्स के हिसाब से अगर आपको एक अच्छा टीवी एक अच्छे पैनल वाला टीवी एक अच्छी एच डी आर केपेबिलिटी वाला टीवी फीचर्स वाला टीवी अच्छे ब्रांड के साथ मिल रहा है अच्छे प्राइस में मिल रहा है दैट इज द बेस्ट टीवी दैट यू कैन बाय तीनों ही टीवी की ब्लैक्स की परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा अच्छी है याद रखिए आपको एल और हाईसेंस के अंदर आई पैनल मिलता है और सैमसंग आने वाला टीवी है नो no डाउट आपको उसके अंदर बेस्ट ब्लैक्स मिल रहे हैं लेकिन हाई सेंस और एल कहीं पे भी पीछे नहीं है एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑफ द यूज अ गुड पैनल अगर अच्छा पैनल यूज करा जाए किसी भी टीवी के अंदर चाहे वो बजट ब्रांड हो चाहे वो प्रीमियम ब्रांड आपको अच्छे ब्लैक्स मिलेंगे चाहे वो आई पैनल ही क्यों ना हो और वही हम देख रहे हैं कलर्स की परफॉर्मेंस भी आपको यही चीज रिफ्लेक्ट करती है तीनों ही टीवी के अंदर आपको अच्छे कलर्स देखने को मिलते हैं बट यहीं पे अगर आप कंपेयर करें तो थोड़ी सी ओवर सैचुरेशन आपको हाई सेंस के अंदर देखने को मिलेगी सैमसंग क्रिस्टल नियो के अंदर भी ब्लू कलर थोड़ा ओवर सैचुरेटेड है और एल के अंदर आपको थोड़ा सा ग्रीन ओवर सैचुरेटेड देखने को मिलेगा अब ये पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको किस टाइप की पिक्चर क्वालिटी ज्यादा अच्छी लगती है किस टाइप की पिक्चर क्वालिटी आपको नेचुरल लगती है लेकिन मुझे तीनों ही टीवी के अंदर थोड़ी थोड़ी ओवर सैचुरेशन अलग अलग कलर्स की देखने को मिली इज अंडरस्टैंडेबल एंड मैं इन तीनों ही पिक्चर क्वालिटीज को बहुत नॉर्मल रेट करूंगा इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में तीनों टीवी के अंदर एस और एच चैनल्स की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है आप एक एक करके दोनों ही परफॉर्मेंस इन तीनों टीवी में चेक कर सकते हैं और तीनों ही टीवी यूएसबी से सभी टाइप के और सभी फॉर्मेट के कॉन्टेंट्स को बहुत आसानी से प्ले कर रहे हैं चाहे आप किसी भी टाइप का फॉर्मेट चलाएं, नो प्रॉब्लम सो वॉट इज द द कंक्लूजन कंक्लूजन इज वेरी वेरी सिंपल आपको एक टीवी खरीदना है उसके पैनल और उसके फीचर्स को देखते हुए अब आप ध्यान से समझिए एल के अंदर आपको वेब ओएस देखने को मिलेगा सैमसंग के अंदर आपको टाइजन ओएस देखने को मिलेगा और हाइसेंस के अंदर आपको एंड्रॉयड ओएस देखने को मिलेगा एल के वेब ओ और सैमसंग के टाइजन ओएस के अंदर आपको एक्सटर्नली एप्स डाउनलोड करने में परेशानी होगी आप नहीं कर पाएंगे जबकि हाइसेंस के एंड्रॉयड ओएस के अंदर आपको गूगल प्ले स्टोर मिलेगा जिससे आप किसी भी टाइप की ऐप को उस पर डाउनलोड कर सकते हैं जबकि मेरे हिसाब से ओएस शुड नॉट बी द क्राइटेरिया ऑफ चूजिंग अ टी क्योंकि आप ओएस को एमेजन फायर स्टिक लगा के ईजिली चेंज कर सकते हैं लेकिन अगर आपके लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है तो आपको उसी हिसाब से एक टीवी को चुनना चाहिए पिक्चर क्वालिटी के मामले टू टीवी को. और प्राइसेस आपकी स्क्रीन पे ये रहे आज की डेट के आप इन तीनों टीवी कोई भी चुने चॉइस विल बी कंप्लीटली योर्स मैंने इन तीनों ही टीवी को ट्रू व्यू किया हुआ है आप इन तीनों वीडियोस को देख के आराम से समझ सकते हैं डिटेल में कि ये तीनों टीवीज़ है कैसे मेरे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और वी एम वन टीवी लिस्ट में मिलेंगे प्लीज उन्हें यूज करके अपनी परचेज को पूरा करिएगा इस चैनल की बहुत ज्यादा मदद होगी अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी पे और यहां पे भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन है क्योंकि बहुत सारे बजट ब्रांड्स के अंदर आपको नए क्यूल टीवीज देखने को मिल रहे हैं चाहे वो ब्लॉपो हो चाहे वो थॉमसन हो चाहे वो मी क्यूलेट हो चाहे वो टी सी एल क्यूलेट हो चाहे वो तोशीबा क्यूलेट हो या फिर हाईसेंस का यू सेवन एच हो बहुत सारे क्यूलेट्स हैं यहाँ तक कि व्यू का भी एक क्यूलेट टी वी है जिसका ट्रू व्यू मैंने करा था इन सभी क्यूलेट टीवीज के अंदर मैंने दो टी वीज़ को शॉर्ट लिस्ट किया और उन्हें मैं कंपेयर करके आपको ये बताऊंगा कि इनमें से बेस्ट टीवी कौन सा है और वो दो टी हैं तोशीबा का एम फाइव फिफ्टी क्यूलेट टी वी और Hisense का यू सेवन एच क्यूलेट टी वी जो लोग रीजन जानना चाहते हैं कि मैंने बाकी टीवीज को क्यों चूज़ नहीं किया उनको मैं ये बता दूं कि या तो आप एक अच्छी डील खरीद सकते हैं या फिर एक अच्छा टी वी और मैं अच्छे टीवी का वीडियो बनाता हूँ ये दोनों अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर बहुत ही केपेबल टीवीज हैं और दोनों एक ही कंपनी के टीवीज हैं लेकिन ब्रांडिंग अलग अलग करी गई है और इनमें पैनल भी बिल्कुल अलग है दोनों ही टीवी के अंदर आपको एडबिट एफ आर सी आई पी एस डी पैनल देखने को मिलता है लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है आपको हाईसेंस के यू सेवन एच के अंदर वन ट्वेंटी हर्ट्स का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा जबकि तोशिबा के क्यूलर टीवी के अंदर आपको नॉर्मल सिक्सटी हर्ट्स का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा ये गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है कि आप वन ट्वेंटी हर्ट्स का पैनल का टीवी खरीदें लेकिन लेट मी टेल यू अ लिटल अबाउट गेमिंग किसी भी टीवी के अंदर अगर अच्छे गेमिंग फीचर्स हैं तो वो आपके गेमिंग कंसोल के साथ लगाने के बाद बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा यानी आपको अपने गेमिंग कंसोल की पूरी कैपेबिलिटीज उस टीवी के अंदर जब देखने को मिलेंगे और आप जब गेमिंग को एंजॉय करेंगे यू विल रियली फील आउट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग बट आपको एक गेमिंग टी तब खरीदना चाहिए जब आपको एक्चुअली में उसकी ज़रूरत हो इसलिए नहीं क्योंकि आपका दोस्त कह रहा है कि वो टी बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आप एक कैजुअल गेमर हैं और आपने शायद हफ्ते या दो हफ्ते में एक बार थोड़ी देर के लिए गेमिंग करनी है एंड दैट टू कैजुअल गेमिंग तो आपको सिर्फ एक टी के अंदर आने वाले ऑटो लो लेटेंसी मोड से भी कैजुअल गेमिंग बहुत अच्छी देखने को मिलेगी अपने टी से उसके लिए आपको एक डेडिकेटेडली गेमिंग टीवी खरीदने की जरूरत नहीं है एक और बहुत बड़ा फर्क है दोनों ही टीवी के अंदर कि तोशीबा क्यूलेट टीवी के अंदर आपको पीक एच मिलती है ब्राइट हंड्रेड की जबकि हाइसेंस यू सेवन एच क्यूलेट के अंदर आपको पीक एच डी आर ब्राइटनेस मिलेगी फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव के आसपास ही बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट मेक अ डिफरेंस आपको नंबर्स पे नहीं जाना है आपको कंटेंट देखना है दोनों ही टीवीज HDR10+ की सपोर्ट के साथ आते हैं तो सबसे पहले हम HDR10+ कंटेंट को ही चलाते हैं और दोनों में आपको थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी का डिफरेंस देखने को मिलेगा और ये थोड़ा फर्क इन दोनों ही टीवीज के पैनल का फर्क है और तोशिबा क्यूलेट के अंदर आने वाले रेग्जा इंजन का फर्क है तोशिबा टीवी के राइट्स अब हाईसेंस के पास हैं और हाईसेंस ही उन टीवीज का अब मैन्युफैक्चरर है लेकिन तोशीबा का कलर इंजन आज भी तोशिबा के टी में यूज होता है दैट इज दी काइंड ऑफ अरेंजमेंट हाइसेंस एंड तोशीबा है इसीलिए आपको कलर प्रोफाइल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों ही सेम ब्रांड के टीवीज के अंदर भी एंड अकॉर्डिंग टू मी तोशीबा कलर्स आर स्लाइटली विविड एंड दे आर मोर पंची थोड़ा ओवर सैचुरेटेड भी आप अगर इन्हें कहेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा बट ये बुरे कहीं से भी नहीं लगते और इन्हीं कलर्स को आप बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे जब आप इन्हें सामने से देखेंगे यही सेम चीज हम ब्लैक्स के लिए भी बोल सकते हैं और ब्लैक्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं दोनों ही टीवीज में याद रखिए दोनों ही आईपीएस पैनल टीवीज हैं और दोनों ही टीवीज को हमने बिल्कुल डार्क में शूट किया है ये दिखाने के लिए कि एक आईपीएस अच्छे आईपीएस पैनल की क्या कैपेबिलिटीज हो सकती है दोनों पैनल्स डॉल्बी विजन को सपोर्ट करते हैं और डॉल्बी विजन कंटेंट भी इन दोनों ही टीवी में बहुत ज्यादा बेहतरीन दिखता है आप क्लैरिटी देखिए आप शार्पनेस देखिए आपको लगेगा कि आप बहुत ही ज्यादा शानदार कॉन्टेंट देख रहे हैं बट इट इज ऑल द गुडनेस ऑफ द पैनल आप अगर एस और एच चैनल की अपस्केलिंग में बात करेंगे तो तोशिबा इज अ क्लियर विनर चाहे वो एस हो चाहे वो एच हो आप कोई भी कंटेंट चलाएं आपको जो अपस्केलिंग में मिल रही है वो हाईसेंस यू सेवन एच में उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही नाउ दिस इज असिक प्रॉब्लम विद वन ट्वेंटी हर्ड्स पैनल टीवी उसके अंदर आपको उतनी अच्छी एस डी कॉन्टेंट की अपस्केलिंग नहीं मिल पाती एंड ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू नहीं है वाई बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको अपनी नीड्स के हिसाब से एक टीवी खरीदना है अगर आपने एस डी चैनल देखने के लिए एक टीवी खरीदना है तो आपको गेमिंग टीवी नहीं खरीदना है इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी परचेस को पूरा करेंगे यू विल डेफिनेटली बाय द बेस्ट टीवी एक और बहुत बड़ा फर्क है दोनों ही टीवी के अंदर और वो ना ही कलर्स का है और ना ही ब्लैक्स का वो है ओएस का आपको तोशीबा क्यूलेट टीवी के अंदर एंड्रॉइड ओ देखने को मिलता है जबकि हाईसेंस क्यूलेट सेवन एच के अंदर आपको विदा ओ देखने को मिलता है दिस अकॉर्डिंग टू मी इज दीकेस्ट पॉइंट ऑफ हाईसेंस यू सेवन एच लेकिन उसे काउंटर करने के लिए हाईसेंस टीम ने एक एमेजोन फायर स्टिक फोर के को बंडल किया है इस टीवी के साथ यानी आपको फ्री में मिलती है फायर स्टिक फोर के U7H खरीदने पे उससे आप इस टीवी के ओएस को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं और वो सारी एप्स आपको टीवी के अंदर मिलेंगी जो आपको किसी भी ओएस के अंदर देखने को मिलती बट मुझसे कमेंट्स में बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि जब हम फायर स्टिक को यू सेवन एच के अंदर लगाएंगे तो वन ट्वेंटी हर्ट्स के पैनल का फायदा ही खत्म दोस्तों इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि आपको एक वन ट्वेंटी हर्ट्स का पैनल गेमिंग के लिए जरूरत में आता है कंटेंट देखने के लिए नहीं इसीलिए आपको इन दोनों ही टीवीज़ के अंदर पिक्चर क्वालिटी को देखते हुए यह समझना है कि अगर आपने सिर्फ कंटेंट के लिए एक टीवी को खरीदना है तो इन दोनों में से बेस्ट टीवी होगा तोशीबा एम फाइव फिफ्टी क्यूलेट और अगर आपको गेमिंग प्लस कंटेंट के लिए एक टीवी चाहिए तो इन दोनों में से बेस्ट टीवी होगा हाईसेंस यू दोनों के प्राइसेस आज के आपकी स्क्रीन पे इस समय है और ये प्राइसेस चेंज होते रहते हैं इसलिए मैंने आपको इसके लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई होप आप उन्हें यूज करें और बिल्कुल सही टीवी खरीदें जिसकी आपको जरूरत है अब एक और कंपैरिज़न करते हैं जहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आती है और वो है हाईसेंस का यू सेवन एच और सोनी एक्स सेवेंटी फोर के जो दोनों ही फिफ्टी फाइव इंच के अंदर सिमिलर प्राइस रेंज पे आने वाले टीवी है इनमें से कौन सा बेटर है और अगर आप दोनों ही टीवी एक साथ रख के देखेंगे सेम कंटेंट चला के तो आप ये जानेंगे कि दोनों में कलर्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं लेकिन उनमें थोड़ा फर्क है दोनों में ब्लैक्स भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं लेकिन उसमें भी थोड़ा फर्क है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही टीवी के अंदर आपको डिटेल्स तो बहुत ज्यादा अच्छी मिलेंगी लेकिन उसमें भी थोड़ा फर्क है और आप इस कंटेंट के अंदर ये आराम से देख पाएंगे कि आपको सोनी एक्स सेवेंटी के अंदर

बट क्योंकि आप सबकी कंफ्यूजन होती है तो मुझे आपको दिखाना ही था कि आपको एक गेमिंग टीवी को नॉन गेमिंग टीवी के साथ कंपैरिजन करने पे क्या रिजल्ट मिलता है आई एम टेलिंग नीड सिर्फ कंटेंट की है सिर्फ कंटेंट की तो आपको एक कंटेंट के हिसाब से नॉन गेमिंग टीवी लेना चाहिए और चाहे आप कलर्स की परफॉर्मेंस देखें दोनों ही टीवी के अंदर दे आर नेक टू नेक बट इसके अंदर भी मेरे हिसाब से सोनी है वेरी क्लियर एज और वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है कलर्स के मामले में भी और अगर आप इसी चीज को ब्लैक्स में देखेंगे तो वहां पे भी आईपीएस पैनल होते हुए भी आपको सोनी के अंदर ही ज्यादा अच्छे ब्लैक्स देखने को मिलेंगे अब आप कहेंगे कि हाइसेंस तो एक क्यूलेड है सोनी एक क्यूलेड नहीं इसके लिए आपको एक और चीज समझनी है क्यूलेट यानी क्वांटम एलईडी टीवी एक डॉट फिल्टर जो एक पैनल के आगे लगाया जाता है जिससे कलर्स थोड़े से, थोड़ से प्योरीफाई होके आपको स्क्रीन पे दिखते हैं जिन्हें देख के आपको मजा आता है लेकिन क्या सिर्फ एक अच्छा क्यूलेट फिल्टर इज इनफ नॉट रियली बिकॉज कलर ऑप्टिमाइजेशन इन अ टीवी प्लेज मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल अगर कलर ऑप्टिमाइजेशन अच्छी नहीं है तो आपको उस टीवी के अंदर कितना ही अच्छा क्यूलेट फिल्टर क्यों ना लगा हो वो अच्छे कलर्स नहीं दिखा पाएगा अब स्केलिंग के मामले में अगर हम देखें तो सोनी इज नंबर वन किंग वो कहीं से भी एस और एच चैनल की परफॉर्मेंस में किसी को अपने आगे नहीं आने देता और इस चीज में मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं है कि सोनी टीवी के अंदर आपको बेस्ट अपस्केलिंग मिलती है चाहे आप किसी भी टाइप का कंटेंट प्ले करें चाहे आप यूएस से कंटेंट प्ले करें चाहे सेट टॉप तो बॉक्स से आपको सोनी के अंदर बेस्ट अपस्केलिंग मिलेगी पीरियड अब जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये डॉल्बी विजन कंटेंट है जो दोनों ही टीवी से प्ले हो रहा है लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि सोनी के अंदर डॉलबी विजन सपोर्ट नहीं है जबकि हाईसेंस यू सेवन एच में है और उसमें डॉल्बी विजन फॉर्मेट की सपोर्ट के बाद आपको जो पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल रही है आप देखिए दोबारा से क्या आपको बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल रहा है सोनी टीवी से और इसीलिए मैं बार बार समझाता हूं कि आपको पेपर स्पेक्स पे नहीं जाना है आपको क्लियरली परफॉर्मेंस देखनी है किसी भी टीवी की आपको एच डी आर फॉर्मैट से मतलब नहीं होना चाहिए आपको एच डी आर परफॉर्मेंस से मतलब होना चाहिए जो आप इन दोनों ही TVs के आपस में जब कंपेयर करेंगे दे आर बट अगर मुझे इन दोनों में से कोई एक टीवी खुद के लिए खरीदना हो तो मैं कौन सा लूंगा अगर मैं गेमिंग नहीं करता देन डेफिनेटली सोनी एक्स सेवेंटी फोर के विल बी माई फर्स्ट एंड दी ओनली चॉइस अगर मैं गेमिंग टीवी लेना चाहता हूं, देन डेफिनेटली सोनी एक्स सेवेंटी फोर के विल नेवर बी माई चॉइस एंड आई विल गो फॉर हाई सेंस यू सेवन एच ये है आप में से सभी लोगों का जवाब जो ये जानना चाहते थे कि इन दोनों में से टीवी कौन सा ज़्यादा अच्छा है आपको इन टीवीज़ के लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ उन्हें यूज़ करके अपनी परचेज को पूरी करिएगा अब करते हैं दो गेमिंग टीवीज़ का एक ऐसा कंपैरिजन जिसमें से आप में से ना जाने कितने लोग मुझे कमेंट्स में लिख के पूछते हैं कि ये टीवी लूं या वो टीवी और मैं बात कर रहा हूं अगेन हाई सेंस यू सेवन एच क्यूलेट टीवी एंड वी यू मास्टर पीस ग्लो टीवी ये दोनों क्यूलेट टीवीज हैं दोनों के अंदर आपको एट बिट एफ आर सी आई पी एस डी लेट पैनल देखने को मिलता है एंड बोथ आर वंडरफुल टीवीज इन दोनों के अंदर आपको बहुत अच्छी ब्राइटनेस भी देखने को मिलती है जहां व्यू क्यूलेट के अंदर आपको अप्रॉक्सिमेटली सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी की पीक एच ब्राइटनेस देखने को मिलेगी वहीं हाइसेंस क्यूलेट के अंदर आपको 525 निट्स की लेकिन ये पेपर स्पेक्स छोड़ के अगर आप रियल लाइफ पिक्चर क्वालिटी में डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा और वही चीज हम भी ऑब्जर्व करते हैं जब हम इन दोनों ही टीवी की कलर्स की परफॉर्मेंस देखते हैं तो हमें दोनों में ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है दोनों में कलर्स बहुत ज्यादा पंची हैं एंड एट द सेम टाइम दे आर बोथ ओवर सैचुरेटेड कलर्स और ओवर सैचुरेटेड कलर कोई बहुत बुरे नहीं लगते आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट चाहे आप सास बहू का सीरियल देखें या फिर आप कोई मूवी का सीन देखें आपको उनमें कलर्स थोड़े से ज्यादा लाइवली लगेंगे और वैसी पिक्चर क्वालिटी देख के आपको मजा ही आने वाला है दोनों ही 120 हर्ट्स के पैनल के साथ आते हैं और दोनों ही के अंदर आपको 32 डिमिंग जोन्स देखने को मिलेंगे बट क्या ये दोनों पैनल बिल्कुल सेम है बिल्कुल भी नहीं और इनके मैन्युफैक्चरर बिल्कुल सेम है हाईसेंस हाईसेंस बनाते हैं दोनों टीवी एक बिकता है व्यू के नाम से और दूसरा हाईसेंस के नाम से बट द पैनल्स आर कंप्लीटली डिफरेंट आई वुड नॉट से कंप्लीटली बट येस दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस आपको व्यू मास्टरपीस ग्लो के अंदर डेफिनेटली देखने को मिलेगी विद स्लाइटली मोर ब्राइटनेस लेकिन एच डी आर सपोर्ट की जहां तक बात है दोनों ही टीवी के अंदर आपको सेम एच डी आर सपोर्ट मिलेगी यानी एच डी आर टेन एच डी आर टेन प्लस डॉलबी विजन तीनों की सपोर्ट आपको देखने को मिलेगी और इस समय आप अपनी स्क्रीन पर एच डी आर टेन प्लस कॉन्टेंट देख रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क मुझे तो नहीं दिख रहा और रियल लाइफ में आप भी इन दोनों टीवीज़ को एक साथ देखेंगे तो आपको भी बहुत मेजर फर्क नहीं दिखेगा एटलीस्ट ऐसा नहीं दिखेगा कि भाई जमीन आसमान का फर्क आ गया ये इतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी और ये इतनी बेकार आप यही सेम चीज डॉल्बी विजन के अंदर भी नोटिस करेंगे क्योंकि दोनों ही टीवी डॉल्बी विजन सपोर्ट के साथ आते हैं और उनके अंदर भी परफॉर्मेंस दोनों ही टीवीज की बहुत ज्यादा अच्छी है और अगर दोनों परफॉर्मेंसेज को कंपेयर करें तो डेफिनेटली वीओ मास्टर पीस ग्लो के अंदर स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी अगेन फॉर द सेम रीजन कि आपको इसमें ब्राइटनेस ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है बट डज दैट रियली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस इस डिफरेंस को मैं अब आपको कलर्स में दिखाने की कोशिश करता हूं कि कलर्स के अंदर भी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा सिमिलर है और क्योंकि दोनों आईपीएस पैनल हैं और दोनों की ही पिक्चर प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है ये दोनों टीवीज ब्लैक्स के अंदर भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं आईपीएस पैनल होने के बावजूद भी विच अगेन आई आईमस से दैट दे आर वेरी वेरी गुड पैनल्स और उसी की वजह से आपको आईपीएस पैनल होते हुए भी इनमें ब्लैक्स की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है बट अगेन आई रिकमेंड यू कि आप अगर आप आईपीएस पैनल का टीवी ले रहे हैं तो एक फॉक्स लाइट पीछे जरूर लगाएं आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा एनहैंस हो जाएगी अब स्केलिंग के मामले में दोनों ही टीवीज़ मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा एवरेज हैं और यही बात मैं हर उस टीवी के लिए कहता हूं जो 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आता है पता नहीं क्यों अब स्केलिंग इन दोनों ही टीवी की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है एटलीस्ट एस डी और एच डी चैनल्स की लेकिन एक मेजर फर्क है दोनों के अंदर रादर दो फर्क है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा जबकि हाइसेंस यू सेवन एच के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि विदा ओ एस देखने को मिलेगा साथ में आपको फायर स्टिक फोर के बंडल्ड मिलेगी जिससे आप उसका ओ एस कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं एक और मेजर फर्क है ग्लो के अंदर आपको ऑडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी मिलेगी वहीं पे हाई सेंस के अंदर आपको एवरेज ऑडियो क्वालिटी मिलेगी इस बात का भी आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है इन दोनों में से कोई भी टीवी खरीदने से पहले दोनों की कनेक्टिविटी ऑप्शंस बिल्कुल सेम है उसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी आपको सिर्फ ये देखना है कि इन दोनों की पिक्चर क्वालिटी के अंदर आपको कौन सा टीवी ज्यादा अच्छा लग रहा है अगर आप कन्फ्यूज हैं तो मैं आपको समझाता हूं। दोनों अच्छे टीवीज हैं अगर आपने सिर्फ नॉर्मल कंटेंट देखना है तो आपको इन दोनों में से ही कोई टीवी नहीं लेना चाहिए आपको एक नॉन गेमिंग टीवी लेना चाहिए अगर आपको गेमिंग टीवी ही लेना है आपकी गेमिंग नीड्स हैं तो दोनों ही टीवी आपको बिल्कुल सिमिलर गेमिंग प्रोवाइड करेंगे उन दोनों में कोई भी फर्क नहीं आएगा द ओनली डिफरेंस इज स्लाइटली बेटर पिक्चर क्वालिटी इन व्यू मास्टर पीस ग्लो लेकिन आपको यहाँ पे ही एक कंपेरिजन ड्रॉ करना है फ्रॉम द प्राइसेज अगर आपको इन दोनों में से कोई भी टी वी बहुत शानदार प्राइस पे मिल रहा हो तो वो एक अच्छी डील है वो आपका टी वी है और उसे आपको लेना चाहिए दोनों में से किसी के साथ कोई ब्रांड लॉयल्टी मत दिखाइए आपको एक अच्छा टी वी सस्ते प्राइस पे और अच्छी डील के अंदर लेना है आपको मेरे लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ही टीवी के अंदर जमीन आसमान का फर्क नहीं है आपको इन दोनों में से कोई भी टीवी सस्ता मिले उसी को लीजिएगा मेरे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे हाँ मैं जानता हूं अब आपके कंफ्यूजन के अंदर एक और क्वेश्चन ऐड होगा इसीलिए ये कंपैरिजन भी अब आपके सामने है क्योंकि मैं अब व्यू मास्टरपीस ग्लो को रखूंगा सोनी 80K के साथ आइनो ब्रांड ने बहुत ज्यादा कोशिश करी व्यू मास्टर पीस ग्लो को इस तरह से प्रोजेक्ट करने की कि वो सोनी एल जी सैमसंग सबसे बढ़िया है और पता नहीं कौन कौन से टीवी से ज्यादा बेहतर है लेकिन आई डोंट थिंक सो एंड आई एम गोइंग टू डायरेक्टली शो यू द प्रूफ कि सोनी एट्टी के साथ जब हम व्यू मास्टर पीस ग्लो को रखते हैं तो आपको परफॉर्मेंस के अंदर कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं दिख रहा दोनों आईपीएस पैनल के टीवी हैं, सोनी एट्टी के अंदर भी आपको आईपीएस पैनल मिलता है उसकी ब्राइटनेस है 525 हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मिनट आई ऑलरेडी टोल्ड यू 620 हंड्रेड ट्वेंटी के साथ व्यू मास्टर पीस ग्लो आता है और आपके सामने ये पिक्चर क्वालिटी है जिसमें आप ये फर्क देख सकते हैं जो कि ना के बराबर है राधर अगर आप मुझसे पूछे तो मैं अगर सामने से खड़े होकर इन दोनों टीवी देखता हूं तो मुझे सोनी फार बेटर लगता है क्योंकि द काइंड ऑफ रिचनेस इन दलर दैट यू सी इन सोनी टीवी दे आर बियॉन्ड एक्सीलेंट वो आपको व्यू हाईसेंस किसी के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे एंड फॉर द सिंपल रीजन सोनी स्पेंड मिलियंस

अच्छे तरीके से देखें आप चाहे ब्लैक्स देखें आपको उनमें किसी टाइप की कोई परफॉर्मेंस में कमी नहीं मिलेगी लोगों को लगता है कि सोनी कोई भी क्यूलेड टीवी नहीं बनाते लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता है कि सोनी सभी टीवीज़ क्यूलेड ही बनाते हैं 4K रेंज में और उसे वो ट्राई ल्यूमिनस नाम से बुलाते हैं और आप जो देख रहे हैं जो इन दोनों टीवीस की परफॉर्मेंस देख रहे हैं वो दोनों ही क्यूलेड टीवीस की परफॉर्मेंस है बट अगेन यहीं पे एक और लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी एक बार वही लाइन जो मैं आपको बार बार इस वीडियो में बता चुका हूं कि आपको गेमिंग नीड्स को अपनी बिल्कुल अलग रखना है अगर आप एक गेमिंग टीवी लेना चाहते हैं तो इज नॉट द राइट टीवी आपको फिर वी यू मास्टर पीस ग्लो या फिर हाइसेंस यू सेवन एच के बीच में ही चुनना चाहिए लेकिन क्योंकि आप में से कई लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हैं इसलिए मैं आपको ये कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं कि आपको एटी के अंदर मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है यस इट इज ऑल्सो अ फैक्ट कि आपको व्यू मास्टर पीस ग्लो थोड़ी सी ज्यादा ब्राइटनेस देता है और बहुत ज्यादा कहीं पे डिमांड है अगर एक पिक्चर एक सीन के अंदर ज्यादा ब्राइटनेस की तो व्यू यू मास्टर पीस ग्लो शायद थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म भी करता है बट डज दैट ट्रांसलेट इन टू बेटर पिक्चर क्वालिटी सर्टनली नॉट अब स्केलिंग के मामले में हैंड्स डाउन सोनी इज अ क्लियर विनर एंड आई डोंट हैव टू कमेंट ऑन दिस कि आपको इन दोनों ही टीवीज में से किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लग रही है एस और एच चैनल्स में ये आप खुद ही देख के बता सकते हैं इन लेट मे टेल यू अगर आप यूएस से कोई भी कंटेंट प्ले करेंगे देन सोनी विल ट्रीट यू लाइक अ किंग बिकॉज ऐसी परफॉर्मेंस ऐसी परफॉर्मेंस उस टीवी से आपको देखने को मिलेगी जैसे आपने यूएस से नहीं डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट देखी हो उस मूवी की एंड दैट इज वाई आई लव सोनी इज आप ऑलरेडी ये जानते हैं कि वी मास्टर पीस ग्लो एक गेमिंग टीवी है उसके अंदर आपको फुल अरे लोकल डिमिंग भी देखने को मिलेगी लेकिन सोनी 80K के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है आपको उसके अंदर सिर्फ एक नॉर्मल फ्रेम डिमिंग मिलेगी जिसे आप पूरी तरह से इग्नोर करें वही अच्छा होगा हाथी के दांत कुछ दिखाने के और कुछ खाने के होते हैं और वही चीज इस समय सोनी के एट्टी के अंदर है फ्रेम डिमिंग फ्रेम डेमिंग को आप पूरी तरह से इग्नोर करें बट डज दैट रियली मेक एनी डिफरेंस इन द पिक्चर क्वालिटी थोड़ा सा आपको ब्लैक्स बहुत अच्छे मिलते हैं विच हैव ऑलरेडी शोन यू आप दोबारा देख सकते हैं कि ब्लैक्स आपको सोनी और वी यू दोनों के अंदर बहुत ही बेहतरीन मिल रहे हैं और तारीफ दोनों ही टीवी की होनी चाहिए दोनों ही पैनल्स की होनी चाहिए लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू द काइंड ऑफ ब्लैक्स दैट सोनी इज गिविंग वी यू इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस कनेक्टिविटी ऑप्शंस में दोनों ही टीवीज में कोई फर्क नहीं है आपको दोनों ही टीवीज के अंदर एक एक एच डी एम आई टू पॉइंट वन ई आर सी पोर्ट मिलता है बाकी सभी जरूरी पोर्ट्स मिलते हैं लेकिन अगेन व्यू इज़ अ विनर इन ऑडियो क्वालिटी व्यू के अंदर आपको ज्यादा बेहतर ऑडियो क्वालिटी मिलेगी और सोनी एट्टी के अंदर आपको बहुत ही एवरेज ऑडियो क्वालिटी देखने को मिलेगी दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कंक्लूजन ड्रॉ करने से पहले आप इस पिक्चर क्वालिटी को दोबारा एक बार फिर देखें और खुद डिसाइड करें कि आपको ये गेमिंग टीवी चाहिए तो व्यू मास्टर पीस ग्लो या फिर हाईसेंस यू सेवन एच में से आप कोई भी एक टीवी ले सकते हैं लेकिन अगर आपको कंटेंट देखने के लिए एक टीवी चाहिए देन सोनी 80K के इज अ गोल्ड माइन फॉर यू क्योंकि डॉल्बी विजन की सपोर्ट भी आपको जो सोनी एट्टी के अंदर मिल रही है दैट इज अ बोनस बिकॉज सोनी एटी के से ही आपको डॉल्बी विजन की सपोर्ट मिलनी शुरू होती है इसके पहले वाली सीरीज में सोनी डॉल्बी विजन की सपोर्ट नहीं देता और आपने जो अभी इस समय अपनी स्क्रीन पे देखा था वो डॉल्बी विजन परफॉर्मेंस ही थी सोनी के इस टीवी से दोनों टीवीज के आज के प्राइसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन अगर आपके बजट में इन दोनों में से कोई भी टीवी आता है और पर्टिकुलरली अगर आपको इन दोनों में से किसी एक टीवी की ज्यादा ज़रूरत है मेरा कहने का मतलब है गेमिंग टीवी या फिर एक कॉन्टेंट वॉचिंग के लिए टीवी उस टीवी को आप चूज करें और प्लीज मेरे लिंक से लीजिएगा जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वी एम वन टी लिस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के अंदर देखने को मिलेंगे प्लीज़ उसे यूज़ करिएगा इस चैनल की बहुत ज़्यादा मदद होगी

ऑडियो क्वालिटी अगर एवरेज भी है आपके टीवी की तो उसे आप इनहेंस कर सकते हैं एक साउंड बार लगा के लेकिन पिक्चर क्वालिटी को आप कभी भी एनहेंस नहीं कर सकते चाहे आप फायर स्टिक लगा लें चाहे आप नी बॉक्स लगा लें पिक्चर क्वालिटी टीवी के पैनल का फीचर होता है और वो वही रहेगी आपके खरीदने से उस टीवी के ख़त्म होने तक अब हम इस कंपैरिजन की लास्ट लेग पे पहुँच चुके हैं और अब हम कंपेयर करेंगे एक ओलेड टीवी को एक अच्छे क्यूलेड टीवी के साथ और मैं बात कर रहा हूँ एल के ए टू की और सैमसंग के फ्रेम 2022 मॉडल टीवी की इन दोनों ही टीवीज के अंदर आपको बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी मिलती है ये दोनों अपने आप में शानदार टीवी हैं लेकिन इन दोनों में बहुत बड़े बड़े फर्क हैं और आपके लिए कौन सा टीवी बेस्ट है यही मैं आपको इस कंपैरिजन में बताने वाला हूं दोनों ही टीवी आपको बहुत ही ज्यादा शानदार पैनल देखने को मिलेगा और इसकी पीक एच डी आर ब्राइटनेस है सिक्स हंड्रेड नाइनटी जबकि एल जी के अंदर आपको फोर के ओलेड पैनल देखने को मिलेगा और इसकी पीक एच डी आर ब्राइटनेस है फाइव हंड्रेड फोर्टी लेकिन दोनों पैनल्स की अपनी अपनी खूबियां हैं जहां सैमसंग फ्रेम के अंदर आपको एच डी आर टेन प्लस की सपोर्ट मिलती है वो डॉलबी विजन से मिस आउट करता है लेकिन उसके अंदर अब आपको 2022 के अंदर रिफ्लेक्टिव नहीं बल्कि मैट पैनल देखने को मिलता है जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चेंज है ट्वेंटी के फ्रेम टीवी मॉडल का वहीं एल जी ए टू ओलेट के अंदर आपको डॉलबी विजन आई क्यू की सपोर्ट मिलती है एंड दैट अकॉर्डिंग टू मी इज द बिगेस्ट थिंग

ये पैनल बहुत ज्यादा शानदार है और पिछले 2021 के मॉडल के मुकाबले बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स के साथ आता है जो आपको इस टीवी के अंदर साफ देखने को पता चल रहा है एक और बहुत बड़ा फर्क है जो एल जी ए टू ऑलेट को और सैमसंग फ्रेम ट्वेंटी मॉडल को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाता है और वो है सैमसंग फ्रेम के अंदर आने वाला हंड्रेड हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट और उसमें एक पोर्ट आपको एच का मिलेगा फोर के एट वन ट्वेंटी हर्ट जिससे आप अपने गेमिंग कॉन्सोल का लगा के बहुत अच्छी गेमिंग कर सकते हैं प्रॉपर गेमिंग कर सकते हैं लेकिन ऐसी फीचर्स आपको LG A2 OLED में नहीं मिलेंगे क्योंकि उसमें आपको नॉर्मल 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा यस यू डू गेट HDMI 2.1 eARC पोर्ट बट वो सिर्फ ऑटो लो लेटेंसी मोड सपोर्ट करता है नो हाई फ्रेम रेट रिफ्रेश रेट कुछ नहीं मिलता आपको LG A2 OLED में देन व्हाट डस दैट मीन आपको पिक्चर क्वालिटी देखनी है तो ये रहा आपके सामने फर्क आपको इन दोनों ही टीवी के अंदर ब्लैक्स देखने हैं तो ये रहा आपके सामने फर्क और यहां पर अगर मैं किसी भी पैमाने से कंपैरिजन करूं एल जी ए टू ओलेड इज और उसका रीजन है कि कंपैरिज़न ही पूरी तरीके से गलत है क्योंकि कभी भी किसी ओलेड टीवी को आप किसी भी क्यूलेट टीवी से कंपेयर करेंगे तो ओलेड हमेशा बेटर ब्लैक्स प्रोड्यूस करेगा क्योंकि ओलेड स्क्रीन के अंदर कोई बैकलाइट नहीं होती उसकी वजह से जब आपको उसे ब्लैक्स दिखाने होते हैं तो उसके पिक्सल्स पूरी तरीके से ऑफ हो जाते हैं जो कोई भी क्यूलेड कभी नहीं कर सकता इसीलिए आपको बेस्ट पिक्चर क्वालिटी बेस्ट कलर्स बेस्ट कॉन्ट्रास्ट और बेस्ट ब्लैक्स देखने को मिलेंगे तो वो सिर्फ ओलेड टीवी के अंदर देखने को मिलेंगे इर ऑफ द ब्रांड और यहीं पे आपको एज अ बायर अपनी रिक्वायरमेंट्स की एक लाइन ड्रॉ करनी होगी अगर आपको एक गेमिंग टीवी चाहिए देन यू मस्ट नॉट लुक एट एल जी ए टू ओलेड क्योंकि प्रॉपर गेमिंग टीवी आपको एल जी ए टू ओलेड नहीं दे सकता आपको कैजुअल गेमिंग करनी है इट इज़ अ गुड अनफ टीवी यू कैन गो फॉर इट लेकिन अगर आपको प्रॉपर गेमिंग करनी है आपके पास सोनी का पी है आपको वन ट्वेंटी गेमिंग करनी है या फिर आपके पास एक्स बॉक्स एक्स है आपको प्रॉपर गेमिंग करनी है आपको देन इन दैट सिनेरियो यू शुड बाय सैमसंग फ्रेम 2022 मॉडल क्योंकि वही आपको प्रॉपर गेमिंग दे सकता है आपको अगर कंटेंट देखना है सिर्फ आपको नेटफ्लिक्स पे देखना है एमेजॉन प्राइम पे कंटेंट देखना है तो देखिए दोनों टीवीज़ में क्या फर्क है एमेजॉन प्राइम के कंटेंट को देखते समय आपको दोनों में ही परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी मिल रही है एंड आई लीव इट ओनली एंड ओनली अप टू यू टू डिसाइड कि इन दोनों टीवीज़ में से आपको किस टीवी की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी लगी और यही फर्क आपको डॉलबी विजन के अंदर भी देखने को मिलेगा अगेन आई लीव इट टू यू दोनों टीवीज में से कौन सा टीवी ज्यादा अच्छा आपको लग रहा है आप डिसाइड करिए पर्सनली आई डोंट डू गेमिंग इसलिए मेरी पर्सनल प्रेफरेंस हमेशा ओलड टीवी रहेगी एक गेमिंग टीवी के कंपैरिजन के बीच में लेकिन आपकी नीड्स और आपकी रिक्वायरमेंट्स को आपने देखना है आप जानते हैं उन्हें इसलिए आपको समझना है कि अगर आपने गेमिंग टीवी लेना है देन ओल एड एटलीस्ट एल जी ए टू ओलेड डज नॉट कम इन पिक्चर आपको अगर गेमिंग में ही ओल लेना है देन गो फॉर एल जी सी टू विच इज अ बेटर टीवी आपको ज्यादा अच्छे उसके अंदर ब्राइटनेस भी मिलेगी और गेमिंग कैपेबिलिटीज भी पूरी मिलेंगी आपको बहुत मजा आएगा उसमें गेमिंग का लेकिन अगर इन दोनों टीवीज का कंपैरिजन करना है यू नो द डिफरेंसेस नाउ आपको सिर्फ ये देखना है कि इन दोनों टीवीज के आज के प्राइसेस क्या हैं यह रहे आपकी स्क्रीन पे आपके सामने आज के इन दोनों ही टीवीज के प्राइसेस और इससे पहले कि आप डिसीजन लें मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मेरे पास एल जी ए टू ओलेड का 48 इंच यानी अप्रॉक्सिमेटली 50 इंच साइज रखा था जिसे मैंने कंपेयर किया सैमसंग फ्रेम 2022 मॉडल के 55 इंच साइज के साथ कंपैरिजन के अंदर आपको सिर्फ साइज़ का डिफरेंस लगा लेकिन पिक्चर क्वालिटी के मामले में दोनों टीवीज बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं यानी अगर आप एल जी ए टू ओलेड का फोर्टी एट इंच या फिफ्टी फाइव इंच लेंगे केपेबिलिटीज और पिक्चर क्वालिटी के अंदर कोई भी फर्क नहीं है इसलिए आपको जो कंटेंट दिख रहा है उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं नाउ कमिंग टू अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू टीवीज आपको दोनों ही टीवीज के अंदर ऑडियो क्वालिटी के अंदर सैमसंग फ्रेम की ऑडियो क्वालिटी ज्यादा बेहतर मिलेगी बट इज दैट अ सिनेमैटिक ऑडियो क्वालिटी नॉट एट ऑल आपको अच्छी साउंड बार उसके साथ लगानी चाहिए जो कि मेरा सजेशन रहेगा और आप मेरे साउंड बार के वीडियोस देख सकते हैं उसके अंदर आपको बहुत सारे सजेशंस मिल जाएंगे मेरे लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और वी एम वन टी लिस्ट के अंदर भी प्लीज़ उन्हें यूज़ करके अपनी परचेज को पूरा करिएगा इस चैनल की बहुत ज़्यादा मदद होगी मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने ख़रीदने के लिए एक टीवी ज़रूर डिसाइड कर चुके होंगे और आप मेरा लिंक भी यूज़ करेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर दैट लेकिन आप उस टीवी को ख़रीदने के बाद भूल जाएंगे आपको कितने साल की वारंटी मिली और आप चाहे तीस हज़ार का टीवी खरीदें चाहे एक लाख रुपए का आपको एक साल या ज़्यादा से ज़्यादा दो साल की वारंटी मिलेगी और उसके बाद अगर आपका टी खराब हुआ तो शायद आपके पैसे पूरी तरह बर्बाद ये आपको नहीं करना है इसीलिए मैं हमेशा आपको रेकमेंड करता हूं कि एक अच्छी एक्सटेंडेड वारंटी खरीदिए अपने टीवी को खरीदते ही ताकि आपका टीवी हमेशा प्रोटेक्टेड रहे कम से कम चार पाँच साल तो उस टीवी को बिना डर के आप आराम से यूज़ कर सकें और मैं इसलिए गो वारंटी का एक्सटेंडेड वारंटी प्लान रेकमेंड करता हूँ आप उसे कहीं से भी खरीदें अफिलियट लिंक होते हुए भी मैं उसका अफिलिएट लिंक आपको नहीं देता ताकि आपको उस वारंटी पैकेज पे बेस्ट प्राइस मिले मैं आपको सिर्फ अपने टीवी का अफिलट लिंक देता हूं जिससे आपका प्राइस कभी भी चेंज नहीं होता और इस चैनल की बहुत ज़्यादा मदद होती है उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे टी की लिस्ट को डाउनलोड करके मेरे लिंक से अपनी परचेज़ को पूरा करेंगे और एक अच्छी एक्सटेंडेड वारंटी भी लेंगे गो वारंटी की एक बार आपको और बता रहा हूं कि अगर आपको 43 इंच या 50 इंच का टीवी चाहिए तो इस कंपैरिजन को देख के अपनी परचेज को प्लान मत करिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए इसमें मैंने 43 इंच के सभी टीवीस को कंपेयर किया था आप उसी से 43 या फिर 50 इंच के टीवी को खरीद सकते हैं सेकेंड पॉइंट अगर आपको 65 इंच टीवी चाहिए तो आपको इसी वीडियो को कंसिडर करना है अपनी परचेज के डिसीजन के लिए क्योंकि तो जो पैनल आपको 55 इंच के अंदर मिलेगा वही पैनल आपको 65 इंच मॉडल के अंदर भी मिलेगा हर ब्रांड में इसलिए आपके सवालों को मैं यहीं पे कट शॉर्ट करता हूं लेकिन इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं तो लिखिए कॉमेंट सेक्शन में ये रहा लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे भी यूज़ करिएगा और अपने कमेंट्स में मुझे ये भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो इस वीडियो को बनाने में आप जानते हैं मेरी कितनी मेहनत लगी और मेरी टीम ने पता नहीं कितने महीनों तक लगातार मेहनत करके आपके लिए ये कॉन्टेंट प्रिपेयर किया है अच्छा लगा हो तो बताइएगा और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले ट्रू व्यू में 2023 में बहुत बड़े प्लान है हमारे और जानने से पहले आपको ये दो वीडियो के सजेशंस देके जा रहा हूं इन्हें ज़रूर देखिएगा थैंक यू वेरी मच